एक मिनट में ला रहा हूँ। ये ले रहे सोना दूध। और बता तुझे क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, दोनों पंछी गुटर घू कर रहे हो तड़के तड़क। लाला जी, दुनिया सुधर जाए पर तब नहीं सुधरने के कभी। और मगर तू ये क्या सुधर रहा है? तू तड़के तड़क मंडिया पड़े अपने काम में। और के लाला जी, मैं थारी तरह बेकार में काम में घूमने लग जाऊं? अरे ओ धर्मवीर के लाला बिगाड़ू ना घूमता खा मैं खा। समझ में तेरी बात तक नहीं आई। अरे लाला जी, अगर बेकार में नहीं घूमते हो तो फिर मेरे घर पे क्या लेने आए हो तड़की तड़क? अरे मैं तो अपना तोलने वाला लेने आया हूँ, जो दो दिन पहले तू दुकान पे लेकर भाग गया था। लाला जी, उसके तो मैंने अमरूद खा लिए। अमरूद खा लिए? मेरा तोलने वाला दे दे और धर्मवीर के नहीं तेरा कबूतर साऊंगा दुआ में। ठीक है गुड्डू, मैं चलती हूँ, पिताजी चाय के लिए इंतजार कर रहे होंगे। सुना बेटा, और मगर चाय तो मेरा भी जी कर रहा तेरे हाथ की पीने को। अरे लाला जी, कल की चाय भूल गए क्या सेठानी के हाथ की? अरे आओ धर्मवीर के, पुराना दर्द याद ना दुआ वे, अभी मार मार के तेरा भूत बना दूंगा। ठीक है लाला जी, तुम घर आ जाइयो चाय पीने के लिए, मैं अभी चलती हूँ। ठीक है बेटी, सोना तू आराम से घर चल। ठीक है लाला जी। अरे आओ धर्मवीर के, उसे घर लो छोड़ का होगा के? लाला जी, मजे लग रहा है तब मेरा काम बनने नहीं दोगे? अरे आओ धर्मवीर के, मैं तेरा कौन सा काम बिगाड़ रहा हूँ? और बनता हो तो बना ले अपना काम। अरे कैसे बना लू, तुम बढ़ने कहाँ देते हो मेरा काम, हर बार बीच में टपक जाते हो। अरे मैं कहाँ टपक जाऊँ तेरे बीच में है? मैं तो अपना तोलने वाला लेना है। लाला जी, वो तो नहीं मिलने वाला अब तुम्हें। क्यों नहीं मिल सकता? मैं तो लेके जाऊँगा। लाला बिगाड़ू अपना सामान नहीं छोड़ सकता, समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया लाला जी। अगर समझ गया तो मेरी आगे खड़ा जाके मेरा तोलने वाला निकाल के दे दे मुझे। अरे लाला जी, तोलने वाला मेरे घर में थोड़ी रखा है, जो मैं तुम्हें काट के दे दूँ। तो फिर कहाँ रखा? अरे लाला जी, वो तो सोना के घर पे रखा है, तुम उसके घर से ले लियो अपना तोलने वाला। अच्छा बेटे गुड्डू, तने लाला का माल अपनी कबूतरी के घोंसले में छिपा रखा? अरे लाला जी, मैं तुम्हें क्यों होशियारी दिखाऊंगा, मैं तो पैदा ही होशियार हुआ था। अब तू ये बता, तोलने वाला सचमुच में सोना के घर रखा या तू मुझे गोली दे रहा? अरे लाला जी, हरा हाजमा थोड़ी खराब है जो मैं तुम्हें गोली दूंगा। बेटे धर्मवीर के, अगर मेरा तोलने वाला सामान सोना के घर पर नहीं मिला तो हाजमा तो मैं तेरा खराब करूंगा, समझ गया कि नहीं समझ गया? अरे लाला जी, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम सोना के घर जाओ तो सही, मन्ना उसके घर नया ला के रखा तोलने वाला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोना के घर पे, अपना तोलने वाला भी लूंगा और उसके हाथ की गरम गरम चाय भी पीऊंगा। हाँ लाला जी, जल्दी जाओ, कभी चाय खत्म हो जाए। हाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मगर नवा हो जाए पुराना, मुझे तोलने वाले से मतलब है, कुछ भी दे दो नवे पुराने से क्या मतलब है? अरे मुझे तो तोलने वाला चाह, नवा दे दो चाहे पुराना दे दो। चाय पी लो। हाँ बेटी। अच्छा बेटे, रात की चाय पी रहा अकेला ही अकेला? आ लिया बेबी, आ लिया। राजीव, राम राम। राम राम लाला जी, राम राम। आ जाओ भाई लाला जी बैठ। हाँ, अब तो मुझे पुकारा और लाला जी से ले आया। अमका किल्ला ही किल्ला चाय पी रहा। अरे की बात है लाला जी, आज तो कतई मूड में लग रहे हो। हाँ राजवीर भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे लाला जी, इस खुशी का राज के है, हमें भी तो बताओ जरा। बताऊँ, इस खुशी का राज है, सारे घर की
चाय। ए राजवीर भाई। अच्छा तो तुम तड़की तड़क चाय पीने आए हो मेरे घरो? हाँ राजवीर भाई, मैं तो चाय भी पीऊंगा और बिस्कुट भी खाऊंगा। अब मैंने बहुत दिन पहले कहा था बालूशाही भी मंगवा ले चाय। ठीक है तो लाला जी अभी मंगा रहा हूँ चाय। बेटी सो ना, लाला जी को भी ले आइए एक कप चाय। ये लो लाला जी चाय। अच्छा ला बेटी सोना। लाला जी और कुछ भी लिया? सारे लिए चाय के साथ। हाँ सोना बेटा, वो तोलने वाला भी लिया मेरा। तोलने वाला है? अरे लाला जी कहीं चाय गल तोलने वाला खाओगे के? अरे कैसी बात कह रहे हैं राजवीर भाई, तोलने वाले भी कोई खाने की चीज हो के? तो फिर चाय के साथ क्यों मांग रहे हो? अरे क्या बताऊं राजवीर भाई, वो सुसरा गुड्डू है ना, दो दिन पहले मेरा तोलने का सामान उठा के ले आया था और उन्होंने बताया अगो थारे गुरु घर के गया। मेरे घर पे? पर मेरे घर पे क्यों रख के जाओगे लाला जी? क्या बात हो, गुड्डू तो मुझे राजवीर भाई। बेटी सोना, गुड्डू अपने घर पे तोलने वाला रख के गया क्या? नहीं हाथों नहीं रख के गया। सोना बेटा क्या बोल रही है तू, सही से देख, वो मेरा ससुराल यही कहीं घर के गया होगा। अरे लाला जी वो यहाँ कुछ नहीं रख के गया, उसने तो मैं पागल बना दिया फिर। इस धर्मवीर के ने भी मैं परेशान करके धर दिया, पर मेरा नाम भी लाला बिगाड़ू नु ही नहीं है, मुझ तोलन वाले के पैसे इस पता लेकर। अरे लाला जी आराम से, कहीं चाय ना अटक जाए सारे गले में। सोना बेटा अब कम हो तो मैं उस ससुरे गुड्डू को। अच्छा राजवीर भाई मैं चलूं, राम राम। अच्छा राम राम भाई। भाई लाला और गुड्डू भी सारे दिन लड़ते ही रहे चूहे बिल्ली की ढाल। ये भी अच्छा है पिताजी, ये दोनों लड़ते रहते हैं, अगर ये दोनों लड़े ना तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाए। हाँ बेटी सोना, यू बात तो तू ठीक कह रही है। क्या हंड आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांदलू क्या हंड आरो घूंघट की ओट में, हेरा घूंघट की ओट में। अरे खड़े खड़े सो रहा है क्या तू? नहीं नहीं मैं तो तुझे ही देख रहा था। तो मैं तो यहीं खड़ी हूँ, इधर सामने क्या देख रहा है तू? अरे तू मेरी नजर से देख, खेत के हर कोने पे बस तू ही तू दिखाई देगी। तो ठीक है अपनी आंखें मेरे लगवा दे। ये क्या बोल रही है तू? हाँ सही तो बोल रही हूँ, जब ही तो देख पाऊंगी मैं तेरी नजरों से। अरे अब ये सब छोड़ और ये बता तू खेत पर कैसे आ गई आज? अपने पैरों से, और क्या मैं उड़कर आती? अरे यार मेरा मतलब है खेत पर किस काम से आई है तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पिताजी के लिए रोटी लेकर आई हूँ। पता नहीं तू कब मेरे लिए रोटी लेकर आएगी खेत पे। तेरे लिए रोटी लेकर क्यों आऊंगी मैं तो न लाती। ठीक है अब ज्यादा भाव मत खा, जाके अपने पिताजी को रोटी खिला दे वरना भूख के मारे बुढ़ा पागल हो जाएगा। अरे अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जाना यहाँ से। गुड्डू एक काम कर, ये रोटी तू खा ले। अरे अगर ये रोटी मैं खा लूंगा तो तेरे पिताजी क्या टिंडे खाएंगे फिर? अरे पिताजी खेत पर ना है, मुझे लग रहा है पिताजी घर चले गए रोटी खाने के लिए, इसलिए ये रोटी तू खा ले। और सुन ये टिफिन है ना घर भिजवा दूँ। ठीक है मेरी सोना। और हाँ रोटी खा लियो, कई सारे दिन काम में मत लगा रही है। अरे तू इतने प्यार से रोटी लाई है, रोटी तो मैं जरूर खाऊंगा और वो भी पेट भर के। आज तो कसम से पति वाली फीलिंग आ गई यार। लाला जी राम राम। अरे राम राम बेटी सोना, नू बता कैसे है तेरा आना? लाला जी मुझे कुछ सामान चाहिए। हाँ बेटी सोना बता क्या सामान चाहिए तुझे? लाला जी मुझे आधी किलो दाल और हाँ एक साबुन भी दे देना। हाँ ठीक है बेटी सोना अभी दे रहा हूँ। ये ले बेटी सोना। कितने पैसे हो गए? 110 रुपए। बेटी सोना मुझे तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ लाला जी क्या बात करनी है मेरे से? बेटी सोना तू सुसरे गुड्डू से दूर रहकर
वो ठीक छरानी है। लाला जी मैं तो उसके घर से बहुत दूर रहती हूँ, उसका घर मेरे घर से चार गली दूर है, और कितना दूर रहूँ। बेटी सोना तू उससे मिलना जुलना बंद कर दे, वो तो एक तरह का जादूगर है, वो तो अंकित भी जादू कर दे। अरे लाला जी तुम परेशान मत हो, मेरे ऊपर किसी का जादू नहीं चलेगा। बेटी सोना मैं तेरी वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं तो सुसरे और गुड्डू की वजह से परेशान हूँ। खिलाड़ी है खिलाड़ी, एक बात बताओ बेटी सोना, कुत्ते की दुम कभी सुधी नहीं होती। अरे लाला जी कभी कभी सीधी हो जाती है, तो सीधी करने वाला होना चाहिए। देख बेटी सोना मैं तो तुझे समझा ही सकूं, आगे तेरी मर्जी। लाला जी मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। इतनी जल्दी समझ गई बेटी सोना, और यह तो बहुत बढ़िया बात है। लाला जी बस यही जरूरी बात करनी थी तुम्हें मेरे से। हाँ बेटी सोना तो मैं अब जाऊँ लाला जी, या कुछ और जरूरी बात करनी है तुम्हें मेरे से। नहीं बेटी सोना और कोई बात नहीं करनी मुझे तेरे से। ठीक है लाला जी राम राम। हाँ राम राम बेटी सोना, पर किसी के ख्याल में मत खोना। लाला बिगाड़ू समझ गया कि तेरी समझ में कुछ नहीं आया बेटा सोना। अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा गुड्डू राम राम। अरे चाचा इधर कहाँ से आ रहे हो तुम? इधर बेटा खेतों में एक बहुत बढ़िया मॉल खुला है, मैं घूम के आ रहा हूँ मैं। अरे चाचा क्यों बेकार की बात कर रहे हो तुम, खेतों में किसने मॉल खोल लिया? हम खेतों पे से काम करके आ रहे हो ना, मुझे पता है। अरे जब तुझे पता है मैं खेतों पे काम करके आ रहा हूँ तो ऐसी बकवास करता क्यों है तू? अरे चाचा भड़क क्यों रहे हो, मैं तो बस पूछ ही रहा हूँ। अरे क्यों ऐसी बेकार की बातें पूछ रहा तू? अरे चाचा गलती होगी अपनी पूछने का बस। अरे चाचा एक काम करो ना, मेरे जैसा स्मार्ट छोरा देख के कोई सोना का ब्याह कर दो ना, तेरे जैसे छोरे सना का भी उसका ब्याह करूँगा। अरे चाचा तब मेरे जैसे छोरे को हल्के में ले रहे हो, तुम्हें पता है मेरे जैसा छोरा कई सालों में एक बार पैदा होता है। अरे क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है तू, कोई और नहीं मिला तुझे? अरे चाचा मैं लंबी लंबी नहीं फेंक रहा, मेरे जैसा छोरा बहुत नसीब वालों को मिलता है। राज तुझे कोई और पागल बनाने के लिए नहीं मिला? अरे चाचा मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा हूँ, मैं तो खाली तुम्हें समझा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ मैं समझ गया, अब तू जा यहाँ से। ठीक है चाचा मैं जा रहा हूँ, ये लो तुम टिफिन ले जियो घर। अरे तेरे टिफिन मैं क्यों ले जाऊँ घर? अरे चाचा यू मेरा टिफिन नहीं है, यू थारा ही टिफिन है। ए मारा टिफिन? ए मारा टिफिन तेरे पास कैसे आया यू? अरे चाचा तमाम खाओ, गुठलिया क्यों गिन रहे हो, ये लो टिफिन। राम राम। राम राम। अरे भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये हमारे टिफिन उसके पास कैसे आए? बिड़ी का मंडल ला 10 रुपए। मंडल तो 5 कावे थी। अरे पहले ही तो 5 कावे था, इतनी महंगाई हो रही अब 10 कावे, अब पीनी होते ला 10 रुपए। ले तो पीनी पड़ेगी। ले सर ले बता। 5 रुपए का बतावे। हे भगवान आज बढ़िया सी कमाई करवा दे, और जो तेरे आज बढ़िया सी कमाई करवा दी वो तो मैं तेरे में 100 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान। लाला जी मगर राम राम। राम राम। और गुड्डू बेटे आ जा, बता कैसे आना भैया। लाला जी आज मुझे थारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। अच्छा अरे मैं कोई छोरी हूँ जो तुम्हें देखने चला आया? लाला जी अरे आगे छोरिया क्या चीज है, तो छोरियों से भी ज्यादा सोने लग रहे हो। अरे आओ देर मी के मेरे पे लाइन मारना बंद कर, और सही सही बता यहाँ क्या लेने आया? मैं तो साबुन लेने आया था। हाँ अच्छा साबुन ले, और जा यहाँ जा। अपने ग्राहकों से ऐसे बात करना ठीक बात नहीं है। अरे तू क्या जा रहा, मैं तेरी आरती उतारूं? ये भी कोई पूछने की बात है, उतार लो जल्दी से मेरी आरती। तू एक बात बता, तू साबुन लेगा, अब तुझे खुराक चाहिए? अरे लाला जी मुझे तो बस साबुन ही चाहिए। हाँ तो ला 25 रुपए दे जल्दी काट। 25 रुपए? अरे किस बात के 25 रुपए दूं लाला जी, साबुन तो 10 रुपए का आता है। अरे गुड्डू कितने साल बाद साबुन लेना आया तू? अरे लाला जी 2021 में तो लेके गया था मैं थारे से साबुन। अब ये 2021 नहीं है, अब ये 2022 है, बहुत महंगा हो गया। अब ये साबुन 10 रुपए का नहीं है, ये साबुन 25 रुपए का है, 25 रुपए हो तो काट। लाला जी तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो। अच्छा 25 रुपए में लूट गया तू? अरे लाला जी 15 रुपए का लगा लो साबुन। देख एक बात सुन ले, साबुन ले रहा हो तो ले, दिमाग ना चट जाए मेरा। ठीक है लाला जी दे दो फिर एक साबुन। ये ले साबुन। लाला जी अगर मैं थारे साबुन से गोरा नहीं हुआ ना तो मैं तुमसे डबल पैसे ले लूँगा। डबल पैसे? और मैं नहीं देने का डबल पैसे। दोगे कैसे नहीं लाला जी,
मैं तो तुमसे डबल पैसे लेकर ही मानूंगा। अरे दुड्डू ले मेरा साबुन वापिस दे, मुझे नहीं बेचना साबुन, तुम्हारा साबुन वापिस दे। अरे मैं तो ना देता, और डबल पैसे लेकर ही मानूंगा मैं। बात है। हाँ भाई, क्यों तड़की तड़क चिल्ला रहा है तू? तेरे पास खाने के अलावा भी कुछ काम है या नहीं है? देख ले तेरे पिताजी लग रहे फोन पे, मुझे यहाँ काम पे लगा के। ये ले, चिल्लावे मत ना, खा ले जितना खाना है। तेरे चक्कर में सुबह सुबह मुझे और डांट पड़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं कैसी बात कर दी आपसे भी, अगर बात नहीं करेंगे फिर किससे बात करेंगे? मुझे तड़की तड़क काम पे लगा के खुद फोन पे चिपक रहे हैं, पर ये दो घंटे से बात किससे कर रहे हैं? अरे पिताजी, किससे बात कर रहे हो? अरे अपनी सेटिंग तक बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? अरे अपनी बहू से बात कर रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है तेरी माँ से। जब सारी बात खत्म हो जाए ना, तो थोड़ी सी मेरी भी बात करा दियो, मुझे भी बात करनी है माँ से। अरे तू क्या बात करेगा? अरे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है हमें भी बता दे जरा। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मुझे क्या जरूरी बात करनी है? तुमने मुझे बताई क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं बताएगा तो फिर चुपचाप काम कर, फोन भी नहीं मिलेगा तुझे। किसी दिन साढ़े इस फोन को ही गायब कर दूंगा अगर हाथ लग गया। अरे तू भी खा ले, तू भी मेरी जान को ही हो रहा है। हाँ जी, अरे कुछ नहीं, मेरा छोरा है ससुराल, जब देखो गला फाड़ता रहे, काम धाम करता नहीं है कुछ। आज काम बोल लो। अरे कोई बात नहीं, मिल लेंगे मिल लेंगे। हम छोरे साथ साथ, जब ले लेवा।